Assalamualaikum everyone and welcome back to my channel Simplified Banking. आज की वीडियो भी रोशन डिजिटल अकाउंट की सीक्वेंशियल एपिसोड है। आज हम रोशन अपनी कार स्कीम की डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, कंप्लीट वीडियो देखिएगा और अगर आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। रोशन अपनी कार स्कीम उन तमाम नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों के लिए है जिनके रोशन डिजिटल अकाउंट्स हैं। अगर आपको रोशन डिजिटल अकाउंट्स का नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें इस अकाउंट की कंप्लीट डिटेल्स बताई गई हैं। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रही हूँ। तमाम नॉन रेजिडेंशियल पाकिस्तानी पाकिस्तान में मुकीम अपने घर वालों के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव रेट्स या लो मार्कअप पे ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। पहले तो ये एप्लीकेशन ऑनलाइन प्रोसेस करनी है और दूसरा ये कि आपको अपनी गाड़ी की डिलीवरी नॉर्मल टाइम से 50% कम टाइम में हो जाएगी। आरडीए अकाउंट होल्डर्स अपने बैंक के पोर्टल के थ्रू कार फाइनेंसिंग के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं जिनमें उनका आरडीए अकाउंट हो, और लोन एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग इंटायरली डिजिटल है और आपको किसी किस्म का कोई पेपर वर्क नहीं करना होगा। आरडीए होल्डर्स को एक तो ये कार फाइनेंसिंग फैसिलिटी लोअर मार्कअप पे ऑफर की जाती है और सेकेंडली प्रोसेसिंग के बाद 4 दिन के अंदर अंदर लोन प्रूव कर दिया जाता है। फाइनेंसिंग रेट की अगर बात करें तो ये प्रिवेलिंग बेंचमार्क रेट के मुताबिक डिसाइड किया जाता है और पीरियोडिकली इसको रिवाइज भी किया जाता है। फाइनेंसिंग को 2 बेसिस में डिवाइड किया जाता है, एक होती है लीन बेस्ड फ्लोटिंग रेट और दूसरी है नॉन लीन बेस्ड फ्लोटिंग रेट। लीन बेस्ड फ्लोटिंग में आपका आरडीए डिपॉजिट या नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट पर लीन मार्क किया जाता है और इस पे आपको मार्कअप स्टेट बैंक के फ्लो रेट प्लस 1% पर चार्ज किया जाता है। जबकि नॉन लीन बेस्ड फ्लोटिंग में ना तो आपके रोशन डिजिटल अकाउंट का बैलेंस और ना ही नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट बैंक के पास प्लेज होता है और इस पे आपको काइबर प्लस 1% मार्कअप देना होता है जो हर 6 माह बाद रिवाइज होता है। आरडीए अकाउंट्स और उससे रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटीज हैं उनके प्रोसीजर्स हर मेंबर बैंक के मोर और लेस सेम ही हैं, मगर मेंबर बैंक्स की कुछ कंडीशंस में थोड़ी सी वेरिएशन होती हैं, जैसे कि फाइनेंसिंग की अमाउंट या आपकी एम्प्लॉयमेंट की ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट वगैरह। मोस्टली इन स्कीम से रिलेटेड चार्जेस भी सेम हैं और मार्कअप का क्राइटेरिया भी सेम है, तो मैंने चंद सिलेक्टेड बैंक्स की बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस जैसे कि फाइनेंसिंग फैसिलिटीज यानी कि उनकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट या डाउन पेमेंट की रिक्वायरमेंट वगैरह आपके लिए आगे एक्सप्लेन की हैं, ताकि आप अगर रोशन अपनी कार के थ्रू कार फाइनेंसिंग की फैसिलिटी को अवेल करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो की मदद से मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकें। जैसे कि हम बात कर लेते हैं बैंक अलफला की। बैंक अलफला के थ्रू मिनिमम 2 लाख और मैक्सिमम 75 लाख तक फाइनेंसिंग की फैसिलिटी अवेल की जा सकती है, जबकि HBL में फाइनेंसिंग की मैक्सिमम लिमिट 1 करोड़ रुपए है। अगर आपका आरडीए अकाउंट बैंकल फला में है और अगर आपकी गाड़ी की वैल्यू 60 लाख से कम है तो आपको उसकी डाउन पेमेंट 15% तक करनी होगी और अगर उसकी वैल्यू 60 लाख से ज्यादा है तो उसकी डाउन पेमेंट 20% होगी। लीन बेस्ड फाइनेंसिंग में आपकी इक्विटी की रिक्वायरमेंट 0% है। लीन बेस्ड फाइनेंसिंग में आपके आरडीए अकाउंट के बैलेंस या आपके नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अगेंस्ट 100% फाइनेंसिंग अमाउंट पर लीन मार्क कर दिया जाएगा। आसान लफ्जों में आपके आरडीए अकाउंट में कम से कम बैलेंस या आपके नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग अमाउंट के बराबर होनी चाहिए। अगर तो आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आपकी मिनिमम एज 21 साल और लोन की मेच्योरिटी तक आपकी मैक्सिमम एज 65 ईयर्स होनी चाहिए और आपकी मंथली सैलरी $3,000 या इसके इक्विवेलेंट हो और आपका 6 माह का वर्क एक्सपीरियंस हो। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन हैं तो आपकी मिनिमम एज 21
और मैक्सिमम एज 70 साल होनी चाहिए और आपकी इनकम $4,000 या उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए और मिनिमम आपका 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसके लिए आपको आपकी टैक्स रिटर्न्स, कमर्शियल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 6 माह की बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट का मेंटेनेंस सर्टिफिकेट और जिस मुल्क में आप रह रहे हैं वहां के क्रेडिट ब्यूरो से आपकी रिपोर्ट चाहिए होगी। अगर हम बात करें बैंकल हबीब की तो इनकी सच एज मैक्सिमम लिमिट तो नहीं है बट कार के वेरिएंट के मुताबिक उसकी डाउन पेमेंट 40% तक भी इंक्रीज कर सकती है और बैंकल हबीब के थ्रू अप्लाई करने के लिए आपका परमानेंट रेजिडेंस स्टेटस होना चाहिए या अगर आप नॉन गल्फ कंट्री से हैं तो आपकी उस मुल्क की नेशनैलिटी होनी चाहिए और आपकी क्लियर क्रेडिट हिस्ट्री भी होनी चाहिए। आपकी व्हीकल आपके, आपके माँ बाप के या आपके बीवी बच्चों के नाम पर रजिस्टर्ड हो सकती है। अगर तो आप गल्फ कंट्री जैसे कि सऊदी अरेबिया या दुबई वगैरह में काम करते हैं तो आपकी सैलरी मिनिमम 10,000 दिरहम होनी चाहिए और अगर आप नॉन गल्फ कंट्री में हैं तो आपकी सैलरी या इनकम $3,000 या 5 लाख या उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। अगर तो आप रेगुलर एम्प्लॉय हैं तो आपका वर्क एक्सपीरियंस करंट एम्प्लॉयर के साथ मिनिमम 2 साल का होना चाहिए और अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं तो मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए और इसी तरह अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, प्रोफेशनल हैं या बिजनेसमैन हैं तो आपका वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 3 साल होना चाहिए। अगर हम बैंकल फलाह की बात करें तो अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपका मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस 6 माह होना चाहिए और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल या फिर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 1 साल होना चाहिए। लीन बेस्ड फैसिलिटी की बात करें तो अगर तो आपका आरडीए अकाउंट बैंकल हबीब में पाकिस्तानी रुपीज में है तो आरडीए अकाउंट में आपके बैलेंस पे फाइनेंसिंग की अमाउंट के 100% लीन मार्किंग होगी और अगर आपका अकाउंट फॉरेन करेंसी में है तो लीन मार्किंग 120% होगी। रोशन अपनी कार अप्लाई करने के लिए बैंकल हबीब की मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 25 साल और मैक्सिमम लिमिट 60 साल है जबकि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए यह लिमिट 65 साल है। अगर आपका आरडीए अकाउंट एचबीएल में है तो इसकी मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट 2 लाख है जबकि एज रिक्वायरमेंट सेम बैंकल हबीब वाली ही है यानी कि मिनिमम एज 21 जबकि मैक्सिमम एज 60 साल है जबकि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए मैक्सिमम लिमिट 65 साल है। एचबीएल के थ्रू मैक्सिमम फाइनेंसिंग 1 करोड़ तक अवेल कर सकते हैं और इसमें इक्विटी की रिक्वायरमेंट 15% है। एचबीएल के थ्रू आपके पास मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं प्लस उनके पास 150 डीलर्स का एक नेटवर्क है जिसके थ्रू आप मल्टीपल कंपनीज की व्हीकल्स को चूज कर सकते हैं और सुजुकी, टोयोटा, होंडा, किया या हुंडई वगैरह प्रायोरिटी पे भी डिलीवर की जाती है। ये वीडियो यहाँ पर मुकम्मल नहीं होती है, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आपको दीगर बैंक की रिक्वायरमेंट्स भी बताएंगे और उनके कंपैरिजन भी बताएंगे। टिल देन डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल। ना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।